कुकिंग टिप्स से समय बचाएं और बढ़ाएं खाने का स्वाद। नंबर एक, अगर आप आलू की सूखी भाजी या सब्जी बना रहे हैं तो उसमें एक बड़ी इलायची डाल दें। इससे एक नया ही स्वाद चखने को मिलेगा। नंबर दो, किसी भी सब्जी का तड़का बघार लगाते समय तेल में सबसे पहले हल्दी पाउडर डालें। इससे गर्म तेल से छींटे कम उड़ेंगे। नंबर तीन, आप सब्जी बना रही हैं और उसकी ग्रेवी गाढ़ी रखना चाहती हैं तो ग्रेवी में घी में सेका हुआ एक ब्रेड क्रश करके डाल दें। इससे सब्जी की ग्रेवी गाढ़ी भी हो जाएगी और स्वादिष्ट भी। नंबर चार, अगर सब्जी में मिर्च ज़्यादा पड़ जाए तो ज़रूरत अनुसार उसमें टमेटो सास या दही मिला दें। इससे सब्जी में तीखा स्वाद कम हो जाएगा। नंबर पाँच, आप टमाटर का छिलका आसानी से उतारना चाहते हैं तो टमाटर पर हल्का तेल लगाकर उसे सेंक लें, फिर टमाटर के छिलके आसानी से उतर जाएंगे। नंबर छः, पराठे का आटा बनाते समय उसमें एक उबाला हुआ आलू और एक चम्मच भरा अजवाइन अच्छे से मिला दीजिए, लाजवाब स्वाद मिलेगा। नंबर सात, अंकुरित अनाज को फ्रिज में रखने से पहले अनाज पर चम्मच भर नींबू का रस छिड़क दें, फ्रिज में बदबू नहीं आएगी। नंबर आठ, मटर पनीर की सब्जी बनाते वक्त उसमें एक कप दूध डालने से सब्जी स्वादिष्ट बनेगी। नंबर नौ, गुलाब जामुन बनाते वक्त मिश्रण में थोड़ा पनीर मिलाने से गुलाब जामुन स्वादिष्ट और नरम बनेंगे। नंबर दस, दही को गाढ़ा बनाने के लिए दही जमाते वक्त उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल दीजिए। नंबर ग्यारह, चावल जलने का डर हो तो जब चावल बना रहे हो तो ऊपर से थोड़ी तेल की बूंदें डाल दीजिए। आप भी इन कुकिंग टिप्स को अपनाकर अपने खाने को टेस्टी बना सकती हैं, तो देर किस बात की, आज से आप भी इन टिप्स को अपनाएं और बढ़ाएं खाने का स्वाद। दोस्तों, अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।